दुनिया भर के फ्रेंचाइजी के प्रिय, मगर अपने बोर्ड से रिश्ता कभी खुशी कभी गम वाला। कायरन पोलार्ड किसी पहेली से कम नहीं। हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ एक बार फिर रिश्ता सुधरा है तो ट्रिनिडाड का ये सूरमा साल भर बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतर रहा है। अब ये तो बच्चे भी जानते हैं कि T20 में पोलार्ड क्या कर सकते हैं, और यहाँ बात सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की नहीं है। सबसे ज्यादा T20 मैच उन्होंने ही खेले हैं, जिसमें हर तीसरा मैच मुंबई इंडियंस के लिए था, उनकी पसंदीदा फ्रेंचाइजी, जिसने 2010 में पोलार्ड को खरीदने के खातिर अपनी जेब खाली कर दी थी। पिछले कुछ सालों में अलग अलग टीमें इस बात की गवाह बनी हैं कि कैसे एक ओवर में पोलार्ड पूरे मैच का रुख बदल देते हैं, छक्कों की बौछार से या फिर चेंज ऑफ पेस से बल्लेबाजों को छका के। पोलार्ड गजब के फील्डर भी हैं। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फील्डरों की लिस्ट देखें तो तीसरे नंबर पर है ये हरफन मौला। मगर एक टीम जिसने पोलार्ड के पावर का मजा नहीं लिया है तो वो है वेस्टइंडीज। T20I में 30 का स्कोर पोलार्ड ने तब छुआ था जब वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे। उस बात को 18 पारियां बीत चुकी हैं। गेंदबाजी में इकोनॉमी रेट 8 से ऊपर पहुंच गया, तभी तो पिछले साल से हमने उन्हें IPL में बॉलिंग करते नहीं देखा। He still has the power. I think he's a little more conservative depending on which team he's playing with. But the power is still there. He has the ability to create a boundary at any time that he wants to. So I think it's just a little more, how shall I say this? He's a little more conservative as to how he goes about his game now. Lekin Pollard sirf 31 saal ke hain. उनके पास T20I में रिकॉर्ड सुधारने के लिए काफी वक्त है, और आलोचकों को अपने निराले अंदाज में जश्न मनाकर चिढ़ाने का भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।